नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं विशेष चलिए हो जाए बात, मेरे यानी दिबांग और सुमन जो एबीपी आनंद से है के साथ। और हमारे आज के खास मेहमान वो शख्स जिस पर पूरे देश की नज़र है, यानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। उनसे होंगे सभी सवाल। समय मेरे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने समय दिया उसका धन्यवाद। पुरुलिया में हम हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है। छाया में बैठे हैं। ये बताइए कि पांच दौर एक तरीके से हो चुके हैं, पांच चरण हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगले दो चरण हम राजीव गांधी के मान सम्मान पर क्यों न चुनाव लड़ लें, एक चुनौती दे रहे हैं। आप क्या इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चुनौती का जवाब दे दिया मैंने, कहा नरेंद्र मोदी मेरे और जो भी नफरत फेंकेंगे मैं वापस प्यार फेंकूंगा। मेरा रिस्पांस प्यार है, उनका रिस्पांस नफरत है। जो उनके दिल में है वो देंगे, जो मेरे दिल में है मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ। चुनाव हारने जा रहे हैं, उनका डर मैं समझता हूँ, और डर से वो नफरत पैदा हो रही है। तो वो नफरत तो उनकी है, मेरी नहीं है। राहुल जी, क्या कभी कभार आपको लगता है कि इस चुनाव में, 19 के चुनाव में, कभी जवाहरलाल नेहरू आपके साथ लड़ रहे हैं, कभी राजीव गांधी आपके साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पर उन्हें लाया जाता है, घसीटा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर पॉलिसी अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है, बोफोर्स फिर से एक बार उभर कर सामने आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे पुराने जो कारनामे हैं ये सामने आ रहे हैं? देखिए, लड़ाई मेरी लड़ाई, फ्रेंकली बोलूं तो गरीबी के ख़िलाफ़, किसानों की जो हालत है, जो उनके दिल में दर्द है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे युवा हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा तो है वो डर की विचारधारा है, नफ़रत की विचारधारा है, और उससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अब नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, मैं जिस प्रकार से लड़ना चाहता हूँ मैं लड़ूंगा। कांग्रेस का अतीत, कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस नॉन वायलेंट पार्टी है, कांग्रेस भाईचारे की बात करती है। हमारा रिस्पांस वही होता है, आप हमें मारिए, आप हमें पीटिए, अंग्रेज भी मारते थे, आप मारिए पीटिए, जितना मारना है हम आपसे सीखेंगे। जितना नरेंद्र मोदी जी मुझ पर आक्रमण करते हैं, जितनी वो पर्सनल बात करते हैं, उतनी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मैं सीखता हूँ। आपने मुझे कुछ गलत बोला, मैं दो प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। एक, मैं आपको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और दूसरे, मैं आपको प्यार से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने प्यार से रिस्पॉन्ड किया मैं सीखा, अगर मैंने नफरत से रिस्पॉन्ड किया मैं फेल हुआ। ये बताइए, आप विपश्यना करते हैं लेकिन आप ही पर नहीं हमला हो रहा है? हमला हो रहा है आपके पिताजी को भ्रष्टाचारी नंबर वन बोल रहे हैं, आपकी माता जी को कांग्रेस की विधवा बोल रहे हैं, क्या असर होता है? ये तो आप ही नहीं है, कोई असर नहीं। नहीं 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 नहीं, देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ, और जो जनता बोल रही है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। वही काम मेरे पिता करते थे, वही काम मेरी दादी करती थी, वही काम ये हमारी सेना जो है करती है, वही काम हिंदुस्तान के किसान करते हैं। तो आपको जो भी बोलना है बोलिए, मज़े लीजिए, जो भी आपके दिल में आए, जितना भी आपको मुझे गाली देनी है दीजिए, मैं सब सह लूँगा। जितना मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, जितनी भी नफरत से नरेंद्र मोदी मुझे बात करें उससे 10-15 गुना नफरत तो मैं खा सकता हूँ 2 मिनट में। उधर मतलब पता भी नहीं लगता मुझे। आप फिर भी जप्पी की बात करते हैं? मैं प्यार देता हूँ, मैं प्यार से काम करता हूँ, क्योंकि ये जो देश है इसका इतिहास प्यार है, इसके इतिहास, ये देश नफरत से नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। राहुल जी, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, गांधीगिरी। तो आप केरल में देखिए, 19 में क्या 2019 के चुनाव में गांधीगिरी चल सकता है? आप केरल में वामपंथियों के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहा है, लेकिन प्रकाश, देखिए, गांधी जी के आइडियाज़ जो थे वो भी उन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री से, हिंदुस्तान के इतिहास से लिए हैं। ये जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये गांधी जी से शुरू नहीं हुई, ये गांधी जी से बहुत पहले हिंदुस्तान में है। गांधी जी ने उसको उस समय की आवाज़ दी थी, और गांधी जी ने ज़बरदस्त काम किया था। हिंदुस्तान की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको उन्होंने सुपर पावर के खिलाफ
खड़ा करके सुपर पावर को हराया था, तो बहुत बड़ा काम किया। मगर गांधी जी ने भी जो सोच निकाली थी वो हिंदुस्तान की जनता में से निकाली थी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से निकाली थी, हिंदुस्तान के इतिहास में से निकाली थी। तो ये मतलब ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं समझे हैं। सच्चाई दुख की बात ये है, इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़रूरी चीज़ दी, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ दी, भरोसा। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट पर डालूंगा। देश ने भरोसा किया था, किसानों ने भरोसा किया था कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा, भरोसा टूटा है। और नरेंद्र मोदी उस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का भरोसा उनमें टूट गया है। नरेंद्र मोदी जो था वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया है वो। मगर नरेंद्र मोदी जी को अभी थोड़ा टाइम लैग है, थोड़ा बात समझ नहीं आ रही है, और इसलिए उससे उनको गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, नफरत आ रही है, वो मेरे ऊपर उतार रहे हैं। आप मान रहे हैं कुछ थे उनमें? नहीं नहीं, हिंदुस्तान ने अपॉर्चुनिटी दी, हिंदुस्तान ने अपॉर्चुनिटी दी, कहा नरेंद्र मोदी जी आप हमारे लिए काम कीजिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, प्यार दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से उस भावना का रिस्पेक्ट नहीं किया। पर राहुल जी, अगर आप ये देखें, आप नारा लगवाते हैं, आपके पिताजी के बारे में भी यही कहा जाता था, यही शब्द इस्तेमाल होता था, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। अब अगर आप ऐसे मेरे पिता की जो हिस्ट्री है वो पूरा देश जानता है। मेरे पिता शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हुई, उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ, वो ठीक है, वो उनकी जगह है, उन्होंने जो करना था करा। मगर जो नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है, मेरे से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी मुझसे नफरत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी से नफरत नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। और मेरा काम कांग्रेस के लीडर होते उनके दिल में से वो नफरत निकालने का है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के दिल में प्यार डालूंगा, बच नहीं सकते मेरे प्यार से नरेंद्र मोदी जी। पर जब आप कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार कहते हैं, पर जब ये नारा लगता है, मैं चौकीदार बोलता हूं। अब एक फैक्ट है कि चोरी हुई है। राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, HAL कंपनी को नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान में जहाज नहीं बनना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाना चाहिए। चोरी हुई है, एयरफोर्स के अफसरों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी ने कहा कि भैया मैं दूसरी डील के बारे में जानता ही नहीं हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। तो चोरी हुई है। अब आप अगर जनता को चोरी के लिए दूसरा शब्द दे सकें, थोड़ा प्यारा शब्द दे सकें, तो मुझे दे दीजिए, मैं उसका प्रयोग कर दूंगा, मैं कहूंगा चौकीदार, जनता कहेगी। लेकिन राहुल जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में क्या साबित जी, ये घोटाला है, चल रही है, इंक्वायरी कराइए, साबित हो जाएगा। आप इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे छोड़िए इंक्वायरी के बाद छोड़िए, आप मेरे सामने खड़े आ जाइए, ओपन डिबेट जहाँ भी आप चाहें। मैंने 10-15-20 बार चैलेंज दिया, जहाँ भी आप चाहें मैं आ जाऊँगा, रेसकोर्स रोड आ जाऊंगा, बुलाएंगे तो मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा, आ जाइए, खुली डिबेट करते हैं। मैं राफेल का मामला उठाता हूं, मैं आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आप देश के सामने दे दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं मैं गारंटी तैयार नहीं हूं। देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूं ना कैमरा में, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे, नरेंद्र मोदी ऐसे करेंगे। पर राहुल जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस पूरे चुनाव को अमेरिका में जैसे चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव, वैसे बनाएं। पर जब आप मोदी को अटैक करते हैं, ये चुनाव खत्म हो गया है, ये अब चुनाव का लास्ट फेज है, चुनाव खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं, कोई ट्रैप नहीं है। आपको लगता है वो हार गए हैं? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, इम्पॉसिबल, खत्म। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के दिल में इतना गुस्सा है, इसीलिए इतने
इस प्रकार से मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं। आपने आइडियोलॉजी नहीं चुनी इनकी, पार्टी नहीं चुनी, आपने नरेंद्र मोदी को चुना? नहीं नहीं नहीं, आइडियोलॉजी चुनी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को हमने डिफेंड किया, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, RBI, उन पर आक्रमण किया। जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की तो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण किया, RBI पर आक्रमण किया, RBI के जो लर्नेड लोग थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उनको अलग किया। हम जब लड़े, जब हम नोटबंदी के खिलाफ लड़े, जब हम गब्बर सिंह टैक्स के लड़े, हम इस भावना के खिलाफ ही लड़े थे कि आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का आदर करोगे, आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। जब हम राफ़ाइल की बात करते हैं, जब हम चोरी की बात करते हैं, हम डिफेंस फोर्सेज की बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि देखिए, आप डिफेंस फोर्सेज का पॉलिटिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। पुलवामा के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया था, कांग्रेस पार्टी पूरी सपोर्ट हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान के एयरफोर्स को, सरकार को देगी। और मैंने अपनी पूरी पार्टी से कहा कि पॉलिटिसाइज नहीं करा जाएगा। आप हिंदुस्तान की सेना के बलिदान को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये विचारधारा की लड़ाई है और ये इसकी पूरे जो एक्शंस हैं ये विचारधारा के हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और पार्टी, इसके बारे में तो आपको बोलना पड़ेगा। दो अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, एक BJP के लिए रूल चल रहा है, अगर आप कुछ बोलेंगे और वही बात नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, आपको मतलब टोका जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ा जाएगा। वो तो दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, मगर वो प्रेशर है ना, वो प्रेशर है, डर है। आप देखिए, फ्रेंकली चुनाव के जो स्टेजेस हैं, किस प्रकार से कहां कहां चुनाव हुए हैं, उस पर भी क्लियरली फायदा तो नरेंद्र मोदी का है। पर ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो सब लोग कह रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी आप ही बहुत एग्रेसिवली सामने आकर बिना डरे मोदी और BJP पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, गहलोत जी, कमलनाथ जी, बघेल जी, हमारे सब चीफ मिनिस्टर, अमरिंदर सिंह जी, सब लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ तो थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे पड़ती है। भारी है जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि ये चुनाव हार चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या आप कह रहे हैं कि अब नया प्रधानमंत्री बनेगा? क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? ये तो देश के ऊपर है, मैं कैसे आपसे कह सकता हूँ। मैंने आप ही को प्रधानमंत्री, तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है, मगर देखिए, मेरा काम देश के इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करने का है, मेरा काम जो आवाज़ है, देश की आवाज़ है, जो दर्द है उसको सुनने का है। मैं अपना काम करता हूँ, जो निर्णय हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग लेंगे, वो उनके ऊपर है। मैं कैसे कह सकता हूँ? पर हिंदुस्तान के लोग लेंगे मतलब जो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे, यानी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, जो हिंदुस्तान की जनता कहेगी उसका मैं पालन करूँगा, वो मालिक है। पर हिंदुस्तान की जनता ये नहीं कहेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, वोट तो वोट देगी पार्टियों को। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी, पता लग जाएगा वोट से, पूरा पता लग जाएगा 23 तारीख के बाद, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा है। उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को सुनकर काम करता हूँ, वो मालिक है, मैं उनका काम करता हूँ। रवि जी, गठबंधन के बात पे आएं, हम जिस राज्य में बैठे हैं, यहाँ 19 जनवरी को महागठबंधन का ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक रैली हुआ था, जहाँ आप खुद खत लिखे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वहाँ भेजा। फिर उसके बाद से आज तक ममता बनर्जी, मायावती, आप, किसी के साथ कांग्रेस का मिल नहीं रहा है और रैलीज में हमला चल रहे हैं एक दूसरे पे। देखिए, साउथ से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने स्टालिन जी की बात की, केरला में चलिए UDF, महाराष्ट्र में चलिए शरद पवार जी। सॉरी, एक बार सवाल का जवाब तो देने दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकाश कारात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को हराने के लिए उस क्षेत्र में सब कुछ करेंगे, LDF और CPIM केरला में, और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप तो गांधीगिरी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गांधीगिरी का मतलब नहीं कि हम अपनी विचारधारा के लिए नहीं लड़ेंगे। क्या गांधी जी लड़े नहीं थे क्या? बिल्कुल, CPM को बिल्कुल लड़ना चाहिए और हम भी लड़ेंगे। लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं केरल में मैसेज देने के लिए गया था। मेरा काम था कि जो साउथ के लोग हैं उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में हमारी जिस प्रकार से आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, उस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उस आवाज़ को दबा रहे हैं,
इसलिए मैंने कहा कि मैं मैसेज देने के लिए साउथ से लड़ूंगा। मगर चलते हैं वापस अलायंस पर। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब जगह तो हमारा अलायंस है, नेशनल अलायंस है, ठीक है। अब बचा बंगाल। बंगाल में सेक्युलर पार्टी आएगी, नॉन सेक्युलर पार्टी आएगी? क्या लगता है आपको? सेक्युलर पार्टी आएगी। चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी में सेक्युलर फॉर्मेशन जीतेगा, नॉन सेक्युलर फॉर्मेशन जीतेगा? उसमें हमारी सीटें आएंगी, उसमें बीएसपी और एसपी की सीटें आएंगी। बीजेपी के लिए का दरवाज़ा हमने सब जगह बंद कर दिया। सेक्युलर पार्टियों में दरार और अपने बीच ये जो टेंशन रहता है, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टेंशन नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, और होना चाहिए। उनकी थोड़ी, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन थोड़ी अलग है, हमारी थोड़ी अलग है। अब यूपी में समाजवादी की जो व्यू है हमसे थोड़ी अलग है, हमारी थोड़ी अलग है। क्यों नहीं टेंशन होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। मगर कोऑपरेशन भी है। मैंने बोला है प्रियंका से और सिंधिया जी से बोला है, देखिए जहाँ हमारा कैंडिडेट जीत रहा है वहाँ पे हमें पूरा दम लगा कर जितवाना है। जहाँ लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट फाइट में नहीं है, वहाँ उधर बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराना है। सिंपल सीरियस बात है। मगर हम अपनी विचारधारा के लिए तो लड़ेंगे ना, पार्टी के लिए तो लड़ेंगे। तो ये थोड़ा, जिसको आप बहुत बड़ा बना देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा टेंशन रहता है। मेरा मतलब, मेरी रिलेशनशिप नेशनल लीडर से बहुत अच्छी है, और सबसे मायावती जी, ममता बनर्जी से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए सुनिए, ममता जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी जगह है, उनकी पार्टी है, हम लड़ रहे हैं बंगाल में लड़ रहे हैं। बट पर्सनली मेरा ममता जी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ नहीं है। जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी, मायावती, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, इनमें से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, मेरा लक्ष्य 23 मई तक फुल एनर्जी डालकर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी को हराने का है। मैं इस बात में आऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं उसमें फंसूंगा ही नहीं। मैंने मतलब जैसे अर्जुन ने आँख देखी थी, मैंने आँख देख ली, वहाँ मैं तीर मारूंगा और वो तीर लगेगा जाके। उसके बाद आँख में है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदुस्तान की कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करनी है, और जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है जिसको नरेंद्र मोदी आरएसएस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस आवाज़ को सपोर्ट करना है। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। ममता बनर्जी बोलते हैं कि वो बच्चा है, नादान है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे आप? मेरे बारे में जो भी लोग बोलें वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सीखता हूँ, अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे बारे में कुछ कहता है, मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ। उनका एक आरोप ये भी है कि आपके दो उम्मीदवार, बड़े उम्मीदवार अधीर चौधरी और अभिजीत बाबू, दोनों आरएसएस के मदद से लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हो ही नहीं सकता। अधीर को तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं उठता। एक जो विपक्ष जो आरोप लगाता है वो ये लगाता है, वो ये कहता है कि जब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी, हम जानते थे कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे, इसमें सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के ही लोग बन सकते हैं। ये जो विपक्ष लगातार खूब बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, पार्टी अध्यक्ष भी बोलते हैं। बात है, इंटरेस्टिंग बात है, आपने मुझे बोला कि राजीव गांधी जी का आखिरी इंटरव्यू आपने किया, कितने साल हुए? 91 एग्जैक्टली, ठीक, 91। तब से आज तक गांधी फैमिली का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। तभी मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, राव जी रहे, तभी नरेंद्र मोदी जी ऑब्सेस्ड हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और जानते हैं कि हमारा एक प्रकार से रिश्ता है जनता के साथ। हम सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं, प्यार करते हैं हम जनता से। मगर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उससे 5 साल पहले नरसिम्हा राव जी, ये कांग्रेस के थे ना, या ये किसी और पार्टी के थे? कांग्रेस के ही थे ना, है ना? गलती तो नहीं कर रहा ना मैं? अच्छा, इस राज्य में लेफ्ट के साथ आपका गठबंधन होने वाला था, लेकिन वो लास्ट अध्याय में कुछ बिगड़ गया, क्या क्या हुआ? मतलब डिस्कशंस में बात बन नहीं पाई। हमारे लोग और उनके बीच में जो सोल्यूशन निकलना था नहीं निकल पाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेफ्ट फ्रंट का चेयरमैन ये आरोप लगाए हैं कि उसमें भी करप्शन है, मनी बैग है। ऐसी बिल्कुल नहीं। अब अगर लेफ्ट फ्रंट चाहे कि हम बिल्कुल मतलब अपने आप को बंगाल से मिटा दें, हम नहीं करेंगे। दो तीन आरोप जो आप पर लगते हैं
उसमें एक नागरिकता वाला सवाल है। राहुल जी, बार बार सवाल क्यों आ जाता है, ये क्या वजह है कि ये आप बार बार, मतलब देखिए मेरे पिता के बारे में आता है, मेरे बारे में आता है, आप जो इंक्वायरी, आप सरकार में है ना, आप जो इंक्वायरी कराने करा लीजिए, आपको पता लगाना है पता लगा लीजिए, अगर आपकी सच्चाई निकल गई तो एक्शन ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, मुझे करिए, आप 5 साल से सरकार में हैं, क्यों नहीं किया आपने, करो, मैं नहीं डरता हूँ। एक जो पर्सनल आरोप और जो अभी अभी प्रधानमंत्री लगाना शुरू किया, कहा कि इनके जो पार्टनर थे उनको भी ऑफसेट ना लगाओ, पूरा इंक्वायरी करो ना, आप 5 साल से हो, करो, क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ है ही नहीं, करो जितना करना है, आप सरकार, आप प्राइम मिनिस्टर हो, करो, क्यों नहीं किया आपने पिछले 5 साल, आपको डर नहीं है क्या? डर, अरे भैया सच्चाई पे काम करता हूँ मैं सच्चा आदमी हूँ, क्या डरना है। राहुल जी, न्याय के बारे में आते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो है ये देश के इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ डालने वाला। न्याय के 2 लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य है कि गरीबों पर जो अत्याचार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गरीबों को न्याय देने का फर्स्ट, और वो सिंपल है, 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवारों को महिला के बैंक अकाउंट में साल का 72,000 रुपये, 5 साल का 360,000 रुपये, उस दिन तक जब तक उनकी आमदनी 12,000 रुपये प्रति महीना की होगी, जैसे उनकी आमदनी 13-14,000 होगी न्याय बंद हो जाएगा उनके लिए। मगर न्याय के पीछे एक दूसरी सोच है और बहुत पावरफुल सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, तो जो जनता की परचेजिंग कैपेसिटी थी उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, जेब से पैसा निकाल दिया, घर से पैसा निकाल दिया, अनिल अंबानी को दिया, नीरव मोदी को दिया, जनता की जेब में पैसा नहीं, पैसा नहीं तो जनता ने माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट जूता बंद किया, डिमांड ड्रॉप हुआ, दुकान बेच नहीं पाई, फैक्ट्री ने नहीं बनाया, बनाना बंद कर दिया, फैक्ट्री ने बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा भैया आपको हम रोज़गार नहीं दे सकते, युवाओं को भगा दिया, कहा भैया अभी यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो मतलब कुछ खरीदा नहीं जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आक्रमण किया, डिमांड पे आक्रमण किया। न्याय योजना का लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य ये है कि जैसे ही हम पैसा डालेंगे बैंक अकाउंट्स में, 25 करोड़ लोग वो माल खरीदना शुरू करेंगे, शर्ट पैंट जूता, डिमांड क्रिएट होगा, परचेजिंग कैपेसिटी बनेगी, दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी, इकोनॉमी चले, इट इज़ अ वे टू जंप स्टार्ट इकोनॉमी। एंड फ्रेंकली जो आपने अभी बोला कि इकोनॉमी से आपने बात की है, इट कैन नॉट बी करेक्ट, बिकॉज हमने एक से नहीं, टॉप दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट से हमने सिर्फ बहुत दोहराए हैं, पर इसमें राहुल जी, इसमें जो हमने सिस्टमैटिकली 6 महीने से हम इस पर लगे, सिस्टमैटिकली हमने इसको 6 महीने के लिए असेस किया है, नंबर्स चेक किए हैं, रीचेक किए हैं, और हमने टॉप इकोनॉमिस्ट से पूछा है, तो इससे ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। मेन मुद्दा चुनाव का, और अब हमारा ये आ गया, चौपर आ गया आपका, चौपर आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, मेन मुद्दा चुनाव का बेरोजगारी, किसानों की हालत और भ्रष्टाचार, और नरेंद्र मोदी आगे पीछे दौड़ रहे हैं मगर इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं, वो है नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया, 27,000 खोते हैं, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, नरेंद्र मोदी जी का काम। तो नरेंद्र मोदी जी को देश को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी के लिए क्या करने जा रहे हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने किस प्रकार से फेल किया, किसानों की बात करनी चाहिए और भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को देश को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने क्यों दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मेरे पास एक आखिरी सवाल है, ये जो वाड्रा पर ईडी के जिससे केसेस चल रहे हैं, जो भी आपको करना करिए ना, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी रोक रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री, आप करिए, एक काम करिए, आप प्लीज राफेल का भी करा दीजिए, राफेल का इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, JPC लगवा दीजिए, उससे तो मत भागिए ना, मैं तो तैयार हूँ, आप करिए जो इन्वेस्टिगेशन। सवाल, दो सीटों से आप लड़ रहे हैं, लास्ट सवाल, दो सीटों से आप लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी से लड़ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आप अमेठी छोड़ेंगे क्योंकि गांधी नेहरू परिवार से जो भी चुनाव लड़ते हैं, संजय गांधी, राजीव गांधी आपके पिता, आपकी माँ सोनिया गांधी, आप खुद जब पहला चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी से लड़ते हैं, आप वो सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहाँ से,
जब पहला चुनाव जो आपने लड़ा पॉलिटिकल कैरियर में, जो पहला चुनाव लड़ा संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने कौन सा छोड़ा? नहीं, उन्होंने पहला चुनाव जो लड़ा वो अमेठी से लड़ा। वो सब हर टाइम अमेठी से लड़ते हैं। हाँ, नहीं सोनिया जी अमेठी से लड़ी। नहीं, वो आप छोड़ने आप, की बात कर रहे थे क्या? नहीं, आप अमेठी से लड़े पहला चुनाव, तो अब आप दोनों से जीतते हैं तो आप अमेठी छोड़ेंगे ताकि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े। वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो मैंने डिसाइड नहीं किया है। चुनाव 23 मई को आने दीजिए, फिर डिसाइड करेंगे। कितनी सीटें आती आपको लग रही? जनता के ऊपर है, मैं कौन होता हूँ कहने के लिए। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.